दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपके सामने TCS का चार्ट है, ज़्यादा वक्त लूंगा नहीं आपका, लेकिन इसके जो लेवल्स है, तो ये लेवल्स मुझे कहाँ से निकाले? तो मैं फटाफट से लेने में गया, सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ पर ट्रेडिंग हुई है वो स्टॉक को निकाला, तो वहाँ से मुझे TCS मिला। IT सेक्टर का स्टॉक है, 3104 पर ये करंट प्राइस है, 3092 में ओपन हुआ था, हाई दिया था, उसके बाद में लो भी दिया, लेकिन 3100 पे क्लोज किया। तो 3100 पे क्लोज किया तो उसके आगे का रन क्या है? तो इधर वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम भी ज़्यादा और प्राइस भी गेन हो रही है। तो यहाँ पे वॉल्यूम भी ज़्यादा और प्राइस भी गेन हो रही है तो कैसे पता चलता है? तो ये इसके लिए मैंने देखो, ये चीज़ कोई बताएगा नहीं आपको, इन्वर्टर स्केल मैंने किया है यहाँ पे, इस चार्ट को मैंने उल्टा कर दिया इन्वर्टर स्केल में जाकर, अब इस चार्ट को मैं सीधा कर देता हूँ। तो ये हो गया ब्रेकआउट, ये हो गया ब्रेकआउट, और सेलर्स के लिए ये क्या हो गया? ब्रेक डाउन। क्या हो गया सेलर्स के लिए? ये हो गया ब्रेक डाउन हो गया। तो ये सेलर्स का टारगेट होता है, सेलर्स इसलिए इस तरह टारगेट है, सेलर्स सोचता है कि मुझे इस प्राइस को यहाँ तक लेके जाना है, यहाँ तक लेके जाना है, 3190 तक। देख लो, मैं आपको जस्ट उसकी साइकोलॉजी बता रहा हूँ कि उनके मन में क्या होता है कि 3190 तक उसे समझ लो ले जाना है। ये जो यहाँ से ये जो लाइन गिरी है ना, ये जो लाइन गिरी है आपको, ये 20 EMA की लाइन है, वीवेप भी है और 20 EMA भी है, दोनों है। तो ये जो लाइन गिरी है ना, यहाँ के तो करीब उसको जाना पड़ेगा, सीधी सी चीज़ है। तो यहाँ के करीब जाएगा तभी जाके उसे उससे बाहर मिले, उससे बाहर मिलेंगे और बाहर मिलेंगे। तो जब और बाहर मिलेंगे तो वापस वहाँ से वही चीज़ होगी कि वो नीचे गिरने की संभावना रहेगी। तो यहाँ पर ट्रैप है, यहाँ पर क्या है? ट्रैप है। जैसे इस लाइन को टच होता है, वीवेप को टच जैसे होता है, और तो सीधा क्या होगा, वहाँ से सेलिंग स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे आपको 3187 एक एग्जिट पॉइंट है। दूसरा एग्जिट पॉइंट वो है कि जो अगर मान लो यहाँ पर आता है, ये 3145 पर आता है, तो 3145 यानी एक रजिस्ट्रेशन, क्रॉस रजिस्ट्रेशन जोन है यहाँ से, और क्रॉस रजिस्ट्रेशन की मार्केट रिस्पेक्ट करता है, तो वहाँ से गिरावट है। लेकिन ये जो क्रॉस चैनल है ना, ये सपोर्ट क्रॉस चैनल है, ये जो क्रॉस चैनल है सपोर्ट से क्रॉस चैनल है, तो इस क्रॉस सपोर्ट चैनल को मार्केट रिस्पेक्ट करता है, और यहाँ से कंसोलिडेशन जोन होता है। अब मान लो कंसोलिडेशन के अंदर उसके पास पावर नहीं और स्टॉक नहीं मिले, देखो यहाँ पर पूरा खेल होता है कि मान लो जो भी ब्रोकर से ऑपरेटर है या इंस्टीट्यूशन लोग हैं, तो उनको मान लो यहाँ पे उनकी क्वांटिटी प्रोवाइड नहीं की है, पूरा स्टॉक नहीं मिला, तो ये प्राइस को नीचे की तरफ भी ले जा सकते हैं और इस सपोर्ट को रिटेस्ट कर सकते हैं वापस। प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम मान लो ये है इसलिए चलना है, तो एक प्रॉफिट बुक कर लेना है। लेकिन बाय कहाँ पे करना है? तो बाय वहाँ पे करना है जैसे ही इस लाइन को क्रॉस करता है, ये इस लाइन को क्रॉस करता है नीचे जाने के बाद में, यहाँ से नीचे जाता है उसका इंतजार करो। यहाँ से अगर रेड का निक बनता है तो रेड के विक को पकड़ लो, क्योंकि वहाँ पे बनेगा, क्योंकि वहाँ पर क्रॉस चैनल में बहुत सारे रेड के विक बने हुए देख लो यहाँ पर। तो ये जो क्रॉस चैनल में विक बनते हैं ना, तो यही चीज़ बताती है हमें, यही चीज़ सिखाती है हमें कि हमें पेशेंस कहाँ पर रखना है। तो ये पेशेंस रखना है ऐसे यहाँ पर, तो जैसे ही इस लाइन को टच किया तो यहाँ से निकलेगी डिमांड सप्लाई जोन। अगर मान लो सप्लाई जोन है तो नीचे की तरफ, डिमांड जोन है तो ऊपर की तरफ, तो यहाँ से लेकर सीधा आपको दूसरा रजिस्ट्रेशन मिलता है, तीसरा मिलता है, फिर यहाँ पर आकर वापस एक बार रिजेक्शन आएगा, रेड का विक, ग्रीन ग्रीन में जो लंबा वाला विक बनता है ना, वाला बनता है, तो यहाँ तक आएगा 3136 तक। लेकिन होगा कि आखिर में यही कैंडल वापस रेड बनने के बाद में, वापस यहाँ पर रेड करने के बाद में, ग्रीन रेड को निक देने के बाद में सीधी ऊपर तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी, और ये आएगा आपका सप्लाई जोन। बिकॉज आपके यहाँ पर विवेक आपका टच हो रहा है, और विवेक का मतलब वो है कि यहाँ पे लोगों को बताना कि भैया मुझे ऊपर की तरफ जाना है। तो यहाँ पर मान लो 3190 पर प्राइस आता है, चलो 3190 पे प्राइस आ गया, मैं मानकर चलता हूँ, पेपर ट्रेडिंग करता हूँ और आपको भी पेपर ट्रेड करना है, तो यहाँ से आपको सिर्फ सेल ही लगाना है, यानी करना क्या है कि उसे पेपर ट्रेड के अंदर वहाँ पर सेल लगा देना। देखो, एक सेल पोजीशन यहाँ पर लगानी है आपने, एक सेल पोजीशन यहाँ पर लगानी है आपने, फिर एक सेल पोजीशन आपको यहाँ से लगानी है, दो पोजीशन और तीसरी पोजीशन आपको यहाँ से लगानी है। और यहाँ पर जैसे आप आ गए ना, तो आप मान लो सक्सेस हो गए लाइफ के अंदर कि भैया कि अब मुझे स्टॉक मार्केट में कुछ हद तक समझ में आ गया है, क्योंकि यही चीज़ होती है मार्केट के अंदर, यही सारा ट्रैप होता है कि यहाँ तक आया तो बायर्स लोग एंट्री लिए, तो बायर लोग लियो लगा के अब तो ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर जाने देने की भी एक कला होती है, तो वो कला के हिसाब से जाने देते, उसको नीचे गिरा के इस सपोर्ट को रिटेस्ट करने के बाद में क्रॉस चैनल को वो धीरे 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 ऊपर लाते, एकदम से ऊपर नहीं लाते, रेजिस्टेंस बहुत है ऊपर, मैं बताऊंगा आपको बहुत सारे रेजिस्टेंस। लेकिन मेरी अगर मान लो आप सेशन में जुड़ना चाहते हो, आप मान लो मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हो, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रॉस चैनल में बनना चाहते हो, कैसे आप क्रॉस चैनल के अंदर डिमांड सप्लाई जोन बनाना चाहते हो, कैसे इस क्रॉस चैनल के अंदर मान लो आपको सप्लाई जोन पता चल सकता है कि कैसे सप्लाई जोन है, कहाँ से बाएंगे, तो सारी चैनल अगर बनाना चाहते हो ना, तो मेरी जो चैनल उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़िए। थैंक यू, धन्यवाद।